नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मेरे यहाँ बादल छाए हुए हैं और मैं कुछ साफ़ सफाइयों में भी लगी हुई हूँ। और ये कुछ अपने गमले मैंने इस तरह से रखे हैं, अभी सेट नहीं किए हैं, तो मैं कुछ कुछ दिनों के बाद इन्हें चेंज करती रहती हूँ, इनकी जगह चेंज करती रहती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं वैनेडियम, लंबे टाइम से एक ही पॉट में कितने ढेरों इसके जो फ्लावर्स हर रोज़ खिलते रहते हैं, हालांकि बादल हैं तो भी खिल रहे हैं। और ये डॉग फ्लावर और जीनिया, तो इसी तरह से, चलिए नाम नहीं लेती वैसे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी मुझे साफ सफाइयाँ भी सब करनी है। तो ये हालांकि हवाएं और बारिश होने के कारण जो मेरे निमेशिया के फ्लावर्स खूब सारे झड़ गए, फिर भी ये खिल रहे हैं, अभी भी खिल रहे हैं और तेज़ धूप अभी पड़ रही है। तो ये फ्रीशिया, इसको गिलहरियाँ भी खूब सारा खा गई हैं। तो ये मैंने सोचा भी नहीं था मेरे गार्डन में कभी खिलेंगे, क्योंकि दाल के दाने जैसे तो इनके बल्ब थे। तो ये देखिए ये कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं, हालांकि गिलहरियों ने ये कट कर दी हैं, इनके पेटल्स भी चिड़ियों ने और वो खा डाली हैं, तो ये भी खिल रहे हैं बहुत ही अच्छे। ये फ्रीशिया के वही फ्रीशिया जो छोटे छोटे दाने थे जिनके बल्ब, तो मैं पहले ग्रो ही नहीं करना चाह रही थी, तो वो ये खिल रहे हैं। और मेरे गार्डन में जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी खूब अच्छे से, ये छोटे छोटे डेलिया लगाना मैं पसंद करती हूँ, चिड़ियाँ वगैरह इन्हें भी खा रही हैं। और ये भी ये जैसे खूब खिल रहे हैं, अच्छे से खिल रहे हैं ये, तो मुझे ये बहुत अच्छे पसंद आते हैं। तो आज मैंने इस तरह से, ये देखिए चिड़िया, हमिंग बर्ड, आ रही है मेरे गार्डन में, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये फूल हैं और दीवार पे मैंने इस तरह से ये टांगे हुए हैं, ये हवा से काफ़ी झूल गए हैं और तेज़ धूप से अब ये काफ़ी कुछ ख़त्म हो गए हैं। तो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप नहीं है। और ये जो मेरे पैंजी ग्रो करना सिखाए थे, ये डॉग फ्लावर जिन्हें गिलहरियाँ भी खूब सारा ले गई, और ये पीछे छुपा के रखे मैंने, ये कुछ हल्के से बच गए हैं। ये मेरे फ्लॉक्स जो मैंने आपको ग्रो करना सिखाए थे, और एक फूल इस बारी मैंने और जो ये लगाए ब्रैकिकोम के, बहुत ही बढ़िया शानदार हैं, इतने खूबसूरत गुच्छों में इनके फूल आते हैं। तो ये सब भी खिल रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी। और सबसे बढ़िया जो ये एस्टर, कितने लंबे टाइम से ये खिलते जा रहे हैं, ये वही वाले हैं जो मैंने आपके सामने आपको ग्रो करना सिखाए थे। तो ये पिटूनिया भी लग रहे हैं, और ये बहुत पुराने पिटूनिया हैं, ये इनकी लाइफ हो रही है फिर भी ये चल रहे हैं। और कुछ ये इस तरह से, ये पूरे फूल इनकी हवा से झड़ गए हैं, ये ऐसे झड़ गए हैं इनके फूल। तो ये बैम्बू वाले में जो मैंने बनाए, इसमें कुछ ज़्यादा खास तो मिट्टी आती नहीं है, और ये पेंजी लगा रही है। और इसमें ये देखिए अपने आप ये भी हो गए, निकल आए, जितनी खुराक मिल रही है और उतने ही फूल लग रहे हैं वैसे ही, मतलब थोड़े से, और ये भी पूरे झूल गए थे। इस तरह से अभी मैंने ये गमले रखे हैं, अभी मेरे साफ सफाइयों का काम जो चल रहा है। और जल्दी जल्दी से कौन कौन से फूल अभी खिल रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये डेलिया बहुत ही बढ़िया है, ये कुछ इस तरह से, इसमें मैंने खूब सारे इकट्ठे लगाए थे, मैं थी नहीं यहाँ पे, और मैंने 7-8 तरह के सीड जो इकट्ठे नवंबर में ग्रो किए थे फिर मैंने आपको बताया था। तो यही वही वाला पॉट है, हालांकि गिलहरियाँ जो लाइनेरिया को खूब खा रही हैं, ये सब खिल रहे हैं। और ये भी सब, ये जाली में मैंने छुपा के रखे हुए हैं गिलहरियों से, तब ये बाहर खिलना शुरू हुए हैं। अब मैं कुछ जल्दी से आपको और फूल दिखा देती हूँ, फिर मैं अपना काम भी करती रहूँगी साथ के साथ। तो ये सनफ्लावर भी मेरे यहाँ खूब खिल रहे हैं, ये पेपर फ्लावर भी जो दो तरह के होते हैं, ये भी खिलना, हेलिक्राइसम जो मैंने बताया था वो लगाना भी सिखाया था, ये भी खिलना शुरू हो गए।
ये कोरियोप्सिस भी जो खिल रहे हैं, तो अभी आज मैं बहुत लेट हो गई पानी देने में, तो ये पूरे मुरझा गए थे, क्योंकि मुझे साफ़ सफाइयाँ भी कुछ करनी थी, निपटाना था। तो सूर्य देव के दर्शन बीच में कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो ऐसा लग रहा कि बारिश ना आ जाए। बाकी ये स्कारलेट फ्लैक्स भी ऐसे खिल रही है, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि धूप का टाइम थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो इसके फूलों का जो रंग है वो हल्का होने लगा है। बाकी मेरे यहाँ ये कैलिफोर्निया पोपी बहुत लंबे टाइम से ये सब खिल रहे हैं, और ये सब मुझे हटाने हैं। अभी मैं हेल्प ले रही हूँ किसी की, और सोचा चलो ये भी शेयर कर दूँ आपसे। और ये मेरे ब्रैकिकोम कई रंग के, बहुत खूब। तो बारिश से जो है फूलों की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। ये डायमोर्फोटिका भी जो मेरे अभी ये खिल ही रहे हैं, और ये सिंड्रेरिया भी कई रंगों के, ये भी अभी खिल रहे हैं। ये देखा ऐसे बहुत प्यारे ये लगते हैं। ये प्यारा सा जो कोक्सकोम है, ये भी मेरे अभी खिल रहा है। ये मेरे यहाँ ग्लाडिया भी खिल रहे हैं, और ये होली होक भी कई रंगों में खिल रहे हैं, पर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थे, अभी इस बारी गिलहरियों ने बहुत कम कर दिए। ये देसी गुलाब भी खिल रहा है, बहुत ही प्यारे रंग का, और साथ में पिटूनिया भी। और ये मेरे यहाँ समर पॉइंसेटिया भी खिल रहा है। ये पिटूनिया और ये कॉर्नफ्लावर भी मेरे यहाँ ये खिल रहे हैं, और ये एनुअल क्राइसेंथेमम, पिटूनिया, और फिर खूब सारे बादल आ गए हैं। और ये लाइनेरिया, खूबसूरत लाइनेरिया, बहुत ही प्यारा लगता है, पर ये गिलहरियों ने खींच खींच के ये पूरा ऐसे ख़राब कर दिया है सारा। ये थोड़ी छाया वाली जगह में मैंने सिंड्रेरिया रखा हुआ है, तो ये तेज़ धूप से बच रहा है। तो अभी जो फूलों को आपके बहुत तेज़ धूप आ रही है, आपके यहाँ धूप है, तो थोड़ा फूलों का टाइम, धूप का टाइम कम कर दीजिए, तो उनकी लाइफ फिर बढ़ जाएगी। ये मेरे यहाँ कई रंग के जो ये वर्वीना भी ये खिलना स्टार्ट हुए हैं, ये वही हैं जो मैंने ग्रो करना सिखाए थे। हालांकि मैं लेट हो गई थी, तो फिर ये लेट ही खिलना स्टार्ट हुए हैं। तो ये देखिए इतने रंग के हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये कोसमोस और येलो कलर के तो हैं ही हैं, ये पिंक और वाइट तो मैंने अभी दिखाया है, और ये ज़ेवरिना होली हुक भी ये खूब खिल रहे हैं। ये मेरे यहाँ गुलाब भी खूब अच्छे प्यारे प्यारे खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये अब बीच में धूप आ जा रही है, बीच में ये बादल आ जा रहे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर। मैं कैमरे में ठीक से दिखाई नहीं पा रही हूँ, फूल बड़े खूबसूरत हैं, बट मुझे वीडियो अच्छे से बनाना आता ही नहीं है। ये एक थर्मोकोल के डिब्बे में मैंने मिनी सा गार्डन बना रखा हुआ है, जो गिलहरियाँ कट करके ही थी, बट उसमें भी ये फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं, इस तरह से ये हरा भरा हो गया है। ये मेरे यहाँ लंबे टाइम से ब्लैक टाइगर रोज़ ये भी ऐसे खिल रहे हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं ये। और ये भी खूबसूरत फ्लावर्स बहुत ही लंबे टाइम से मेरे यहाँ खिल रहे हैं। एक प्यारा सा क्यूट सा गुलाब, ये देखा कितना सुंदर लग रहा है, ये भी खिल रहा है। और कुछ पिटूनिया ये भी खिल रहे हैं। ये डेलिया मेरे यहाँ लंबे टाइम से, बहुत दिनों से ये भी खिल रहे हैं। बाकी वेजिटेबल में मेरे यहाँ ये ब्रोकली खूब हो रही है, एक मैंने कल हार्वेस्ट की है, और ये एक और तैयार हो रही है। ये भी मेरे यहाँ बहुत टाइम से खिल रहे हैं, अरंथिमम। और पानी वाले जो पौधे होते हैं, वाटर कैवेज, ये तो देखो कितनी अच्छे से, अभी तो मैंने कोई ट्रांसप्लांट नहीं, कुछ नहीं किया, इतने बड़े बड़े फूल इसके, ये देखिए। ये वही कुछ महीने पहले जो मैंने आपको सेव करना सिखाया था कि समर के लिए कैसे इसे बचाना है, तो उसके बाद कुछ काम नहीं किया, तो ये देखिए कितने बड़े बड़े फूल हैं। अभी कुछ मैंने किए नहीं हैं, तो ये निकालने की जगह है, की ज़रूरत है अभी इनको कहीं और लगाने की। तो चिड़ियाँ भी ये गंदा कर जा रही हैं, ये ऊपर बैठती हैं सारा। तो ये देखिए पूरे इतने बड़े बड़े ये हो गए हैं, ये गूंथे हुए हो गए हैं ये बिल्कुल।
तो ये निकाल के कहीं और ट्रांसप्लांट करने की नहीं ज़रूरत है। बाकी ये एनुअल क्राइसेंथेमम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे यहाँ कई सारे तो जो पौधों की लाइफ हो गई है, और कई सारे जो बाद में ग्रो किए हैं तो वो अभी खिल रहे हैं। ये इंग्लिश डेजी भी मेरे यहाँ लंबे टाइम से खिल रहे हैं, बहुत सारे गमलों में लगा रखे हैं। पर धूप का टाइम कम कर दीजिए आप, भले ही इन्हें धूप चाहिए पर आजकल इतनी तेज़ धूप नहीं चाहिए, तो बिल्कुल पत्ती इनकी सूखने लगी हैं और मुरझाने लगी हैं, तो धूप का टाइम कम कर दें इनका। तो वीडियो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा मैं और दिखाने बैठूंगी, तो जल्दी जल्दी से मैंने दिखा दिया, और नाम भी जो मैं बताना चाहती थी काफ़ी कुछ बता दिए हैं। कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कई भाई बहनों ने पूछा कि फ्लोक्स को ये घना कैसे किया, तो कुछ नहीं किया इसमें, खूब सारे प्लांट्स मैंने जैसे ग्रो किए थे वैसे रहने दिए हैं, बस ज़्यादा सारे प्लांट्स थे कुछ निकाल दिए, थिनिंग कर दी, तो ये उसी में आ रहे हैं, और बाकी मैंने कोई पिंचिंग वगैरह नहीं किया, और ये इसी तरह से खिलते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। आप भी अपने गार्डन की साफ़ सफाई करिए, और कुछ जो पुराने पौधे हो गए हैं जो नहीं खिल रहे हैं तो उन्हें फिर गार्डन से निकाल दीजिए, और गर्मियों के पौधों की तैयारी करिए। और गेंदा लगाना चाहते हैं तो गेंदा लगाइए, ये जो छुपके से गेंदा अपने आप निकलाया है, तो ये गिलहरियाँ यहाँ नहीं पहुँची हैं, नहीं तो इन्हें भी ये पूरा कट कर देती हैं।